देपालपुर कोरोना महामारी के बीच ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर निभा रही हैं अपना फर्ज, अपने परिवार को छोड़कर हॉस्पिटल में दे रही हैं सेवा। उनके परिवार में दो बेटियां हैं, एक 7 वर्ष की और दूसरी 10 वर्षीय। उनको छोड़ रोज देपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी सेवा दे रही हैं। अपनी बेटी को वीडियो कॉल के जरिए बात कर परिवार का हाल जानती हैं। इस बीच ड्यूटी खत्म होने के बावजूद कभी कोई पेशेंट आता है तो अपनी सेवा देती हैं। DNU टाइम्स के लिए देपालपुर से दीपक सेन की खास रिपोर्ट। जो एक आपातकालीन स्थिति आई है उसको देखते हुए भाई आज मैं ये समझती हूँ कि जन सेवा, समाज सेवा, देश हित में मुझे तत्परता के साथ सेवा करना चाहिए, ना कि अपने परिवार और उनका भी अगर मुझे छोड़ना पड़े या उनसे दूर रहना पड़े भी तो मेरा ये परम दायित्व बनता है और मेरा रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि मैं यहाँ रहकर तत्परता से ये कोरोना महामारी की आपातकालीन कंडीशन में सतत अपनी सेवाएं देती रहूँ। ये मेरा परम दायित्व है और इसलिए मैं इसको कंटिन्यू अपने दायित्व पर निर्वाह करते हुए जन सेवा, समाज सेवा और सभी जो अपने शासकीय कार्य हैं और सभी प्रशासनिक विभाग हैं उनसे समन्वय बना के अच्छी प्रकार से और अच्छी तरह से सारी अपनी रिस्पांसिबिलिटी का निर्वाह कर सकें। अधिकतर समय बच्चों से दूरी रहना पड़ता है क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि इसमें सावधानी सुरक्षा है, इसलिए जब भी हम कभी जाते भी हैं तो बच्चों से दूर ही रहते हैं हमसे। और बच्चों को मैंने अलग और हमारा अलग अलग रहने की व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था के साथ ही मैं अपना कार्य कर रही हूँ। आपके हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और एनेस्थेटिक्स हैं, डॉक्टर नरेंद्र गोयल, वो भी अपनी सेवा निरंतर सभी हॉस्पिटलों में सेवाएँ दे रहे हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर चंद्रकांत संतोली, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर।